नर्स को तो अभी भी 103 बुखार है। मैं पानी की पट्टियां रखता हूं। लगता है मुझे दोबारा डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। अभी तो डॉक्टर गया चेक करके, उसने इंजेक्शन लगाया, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना बुखार उतरने में। समीना, मुझसे इसकी हालत नहीं देखी जा रही। मुझसे कौन सी देखी जा रही है इसकी हालत? इमरा बेटा, कुछ खाना है? मैं बाजार से कुछ लेकर आऊं तुम्हारे लिए। कुछ तो खा लो बेटा, सुबह से कुछ नहीं खाया तुमने। अरे बुखार कम होगा तो खाएगी ना। खाली पेट दवा कैसे लेगी? कुछ खाएगी तो दवा असर करेगी। अशरफ, मुझे लगता है मेरी बच्ची को किसी की नजर लग गई है। तुम ऐसा करो, यखनी लेके आओ उसके लिए। जाओ। हाँ मैं जाती हूँ उसके लिए। जाओ। बनाती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप ही कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। अम्मी कैसी हैं? ज़ारा, मेरे अम्मी से बात करने को बहुत दिल चाह रहा है, मेरी बात करवा दो अगर वो करीब में है तो। आप ही नहीं करवा सकती? क्यों, सो गई हैं क्या? नहीं, सोई नहीं है, लेकिन काफी परेशान है और उदास भी है। क्यों, क्या हुआ अम्मी को? आपी, अबू ने आपको और अम्मी को बात करते हुए देख लिया है। अबू अम्मी से बहुत ज्यादा नाराज हैं, उनसे बात भी नहीं कर रहे हैं। आज तो अबू स्टोर से घर आए और आके खामोशी से अपने कमरे में चले गए, खाना भी नहीं खाया उन्होंने, और जब अम्मी जाने लगी तो दरवाजा भी बंद कर लिया अंदर से। मेरी वजह से अम्मी को क्या कुछ सहना पड़ रहा है? और कसूर अब्बू का भी नहीं है, उन्होंने तो बस मुझे गलत समझ के उस बात को अपने दिल से लगा लिए। सारा, अब्बू की तबीयत तो पहले ही ठीक नहीं थी, ऐसा ना हो उनकी तबीयत और बिगड़ जाए। तुम जाओ, देखो उन्होंने दरवाजा खोला है या नहीं। आप ही, मैं गई थी, अम्मी ने मुझे सख्ती से वापस भेज दिया है, कह रही थी वहां पर नहीं जाना मुझे। मैं क्या कह सकती हूँ? और अम्मी, वो कहाँ है? अम्मी तो अब्बू के कमरे के बाहर ही बैठी हुई है, इंतजार कर रही है कि कब अब्बू दरवाजा खोले और कब वो उनसे बात करे। खैर, आप अपना ख्याल रखें, मैं फोन रखती हूँ। खुदा हाफिज़।